पहले तो आपका बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि हमने 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं यूट्यूब पे. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड इसी तरह से प्यार देते रहेगा, सपोर्ट देते रहेगा, और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लेकर आते रहेंगे. केंको हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस है? इतनी सारी कंपनीज का नाम सुना है, बट ये कौन सी कंपनी है? क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपने भी देखा है केंको की एड्स या केंको के बारे में सुना है? तो केंको एक्चुअली में है क्या, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. मैंने खूब सारी रिसर्च करी आपके लिए. केंको है क्या, केंको एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है कि नहीं है, उनके पैकेजेस क्या हैं, और क्या आपको केंको में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. अभी पीछे न्यूज में भी था कि केंको ने $12 मिलियन की कैपिटल रेज करी है. ऑल द मोर आपको न्यूज में ज्यादा इसका नाम दिखेगा. इससे अच्छा और क्या टाइम हो सकता है इस प्लान के बारे में समझना और आपको बताना. सो आज हम इसी प्लान के बारे में बात करेंगे, केंको हेल्थ प्लान के बारे में. सो पहले तो समझेंगे कि केंको है क्या. केंको बेसिकली एक हेल्थ केयर कंपनी है, और जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स थे जो ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड थे, दो लोग वो नो को फाउंडर्स है इस कंपनी के. और उन्होंने देखा कि कुछ इंश्योरेंस में आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे ओपीडी एक्सपेंस हो गया, डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, जो आईपीडी से रिलेटेड नहीं होता वो जनरली पे नहीं होता है अगर आपने ओपीडी प्लान नहीं लिया है तो. तो उन्होंने देखा कि गैप है मार्केट में, उन्होंने हेल्थ केयर प्लान्स निकाले जिसमें ये चीजें कवर करी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में नहीं कवर है. तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है क्या केंको एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है. नहीं, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय IRDA, इट इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी. सो वेरी क्लियरली ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ के आप यहाँ पे प्लान ले लें, वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा. हेल्थ इंश्योरेंस का अपना पर्पस है. ये आपको कहाँ लेना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे. सो शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं केंको के बारे में. एक सिंगल प्लान में ही ओपीडी और आईपीडी दोनों चीजें कवर्ड है. ओपीडी इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन, आपकी रेगुलर विजिट्स, मेडिसिन, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं एंड सो ऑन. आईपीडी इज हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद के जो एक्सपेंसेस. तो ये दोनों चीजें सेम प्लान में कवर होती हैं. सो इनके जो पैकेजेस है उसकी पेमेंट्स है मंथली. सो आपको ईयरली नहीं पे करना है, मंथली पे करना है, कन्वीनियंट है, एंड यू कैन कैंसिल एनी टाइम. सो यहाँ पे कोई TPA नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो TPA भी नहीं है. ये बेसिकली टाई अप करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ आपके लिए, एंड आपको कुछ डिस्काउंट्स दिलाते हैं और कुछ कवरेज दिलाते हैं, वो हम आगे पैकेजेस में देखेंगे. सो मैंने काफी रिसर्च करा, मैंने इनके कस्टमर केयर पे 4-5 बार बात करा, सारी डिटेल समझी, एंड उसके बाद ही मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ. जो आईपीडी ट्रीटमेंट है उसमें किस तरह की कोई कैपिंग नहीं है, सबलिमिट नहीं है, कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है. सो ये प्लान लेने के लिए एक्चुअली में करना क्या पड़ता है, क्या किसी को भी प्लान दे देते हैं? नहीं. सो ऐसे तो फिर कोई भी प्लान ले लेगा और क्लेम कर लेगा. इसके लिए इन्होंने एक स्कोर बनाया विच इज कॉल्ड केंको हेल्थ स्कोर. तो आप कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना केंको हेल्थ स्कोर बनाते हैं, जिसमें कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, अपना लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग आप सब कुछ वहां पे डिस्क्लोज करते हैं. उसके बेसिस पे एक स्कोर आता है. अगर वो स्कोर 700 से ऊपर है तब आप इनके प्लान्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है इन प्लान्स में सब्सक्राइब करने के लिए. सो प्रोसेस जैसे वेबसाइट पे बताया हुआ है काफी सिंपल है. आप साइन अप पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, केंको हेल्थ स्कोर आता है, और उसके बाद आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके लिए जानना जरूरी है कि प्लान्स कौन से अवेलेबल हैं. हम बात करेंगे इनके कौन कौन से पैकेजेस हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे 5 तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं. जो आपकी जरूरत है आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं. सो पहला प्लान है जो बेसिक प्लान कहलाता है, विच इज 299 रुपीज पर मंथ. तो सारे जैसे मैंने बताया था इनकी पेमेंट्स मंथली पेमेंट्स हैं, और जो बेनिफिट्स मैं बात कर रही हूँ बेनिफिट्स आप ईयरली क्लेम कर सकते हैं. 299 पर मंथ प्लान में आपका 20% डिस्काउंट मिलता है आपको डॉक्टर कंसल्टेशन पे, 20% डिस्काउंट मिलेगा मेडिसिन पे, 20% डिस्काउंट मिलेगा लैब टेस्ट पे, और उसके साथ साथ आपको 3 डेज का आईपीडी ट्रीटमेंट मिलेगा इन अ ईयर. मतलब साल में आप 3 दिन के लिए अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप इस प्लान से क्लेम कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने कहा था कि कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, बट आप साल में सिर्फ 3 बार ही क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट इससे ऊपर प्लान आ जाते हैं विच इज कॉल्ड 599 इंडिविजुअल प्लान. यहाँ पे आपका सेम चीजें हैं, मतलब सेम पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे. यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलता है आपको डॉक्टर कंसल्टेशन पे, मेडिसिन पे और लैब टेस्ट पे, और 24 आवर्स से ऊपर की जो हॉस्पिटलाइजेशन है जिसको आईपीडी बोलते हैं वो ले सकते हैं आप 7 दिन के लिए साल में. फिर आ जाता है अगर आप फैमिली हैं तो फैमिली के लिए प्लान है विच इज 999 रुपीज पर मंथ, जहां पे आप अपनी कंप्लीट फैमिली को ऐड कर सकते हैं. और इसके अंदर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है डॉक्टर कंसल्टेशन पे, 50% डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन पे, और 50% डिस्काउंट मिलता है लैब टेस्ट पे. और इसके साथ साथ ही आपको हॉस्पिटलाइजेशन के जो दिन मिलते हैं वो है 10 डेज इन अ ईयर जो आप क्लेम कर सकते हैं. इससे ऊपर जाना चाहे और बेटर प्लान विच इज अल्टीमेट प्लान, जो फैमिली के लिए है दोबारा, 1999 पर मंथ देते हैं. और इसमें क्या मिलता है आपको, 90% डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन पे,
90% डिस्काउंट मिलता है डॉक्टर कंसल्टेशन पे और 90% डिस्काउंट मिलता है आपको लैब टेस्ट पे। इसके साथ साथ आपको 50% डिस्काउंट मिलता है मेंटल हेल्थ थेरेपीज पे, जो भी थेरेपीज आप कराते हैं मेंटल इलनेस से रिलेटेड वो भी 50% डिस्काउंट पे आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ आपको 15 डेज का आईपीडी ट्रीटमेंट भी साल में क्लेम कर सकते हैं एज अ फैमिली। नेक्स्ट प्लान अवेलेबल है जो सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन इस पॉलिसी में आ सकते हैं, 70 ईयर्स तक कवर रह सकते हैं, पॉलिसी नहीं प्लान, 70 ईयर्स तक कवर रह सकते हैं प्रोवाइडेड उनका एक ना एक फैमिली मेंबर ऑलरेडी कवर्ड होना चाहिए सीनियर सिटीजन प्लान अवेल करने के लिए। यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलता है ऑन डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन एंड लैब टेस्ट, और साथ ही साथ 10 डेज का आईपीडी हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। मैं आपको इन सब प्लान्स का कंपैरिजन आपको स्क्रीन पे दूंगी, जिससे कि आपको इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प और देख सकते हैं आपके लिए क्या सूटेबल है। नेक्स्ट है डायबिटीज प्लान, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो ये प्लान कंसिडर कर सकते हैं। इसमें इंसुलिन की कॉस्ट भी कवर की जाती है, तो यहाँ पे आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन पे, 50% डिस्काउंट ले सकते हैं मेडिसिन पे और जिसमें इंसुलिन भी इंक्लूडेड है, और 50% डिस्काउंट ले सकते हैं अपने लैब टेस्ट पे। और इसके साथ 5 डेज का आपको आईपीडी हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट मिलती है इन अ ईयर। सो यहाँ पे जब हम डॉक्टर कंसल्टेशन की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह का कंसल्टेशन हो सकता है, जैसे कि आपने डेंटिस्ट से कंसल्ट किया, जैसे कि आपने स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, तो किसी से भी आपने कंसल्टेशन लिया तो वो कवर होगा। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा, जब आपने प्लान ले लिया तो काम कैसे करेगा। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो बेसिकली जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जब आप साइन अप करेंगे, सब्सक्राइबर बनेंगे, तो आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और मान लीजिए आपको कहीं ट्रीटमेंट कराना है, तो आप इनके नेटवर्क लिस्ट पे जाएंगे। जी हाँ, नेटवर्क लिस्ट है जहां पे आप अपने डॉक्टर्स लोकेट कर सकते हैं कि कौन से डॉक्टर को आपको मिलना है, और साथ में आप अपना हॉस्पिटल नेटवर्क चेक कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल नेटवर्क आप जहां पे आप अवेल कर सकते हैं ट्रीटमेंट। सो बेसिकली एक तरह का रीइंबर्समेंट प्लान है, कैशलेस नहीं है, आपको पहले पे करना होगा, फिर बिल्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, फिर अकॉर्डिंगली आपको रीइंबर्समेंट होगा। और जो इनका हॉस्पिटल नेटवर्क है, जो डॉक्टर नेटवर्क है, वहीं पे करा के आप ये रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। हम बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या ये वर्थ इट है लेना, क्या ये लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए। सी मेरे हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है, किसी भी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं है। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ नेसेसरी कमोडिटी, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। सो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए जरूरत है। सो उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि ये वाले एक्सपेंसेस आप क्लेम करना चाहते हैं, आपका ओपीडी ज्यादा होता है, आपको डॉक्टर कंसल्टेशन ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है बिकॉज कोई भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है या प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, या आपको रेगुलरली टेस्ट कराने होते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीटली 100% फ्री नहीं हो रहा है, कुछ डिस्काउंट है जो पैकेज लेते हैं आप उसके हिसाब से। और जो आईपीडी है वो आपका हॉस्पिटलाइजेशन में भी इंक्लूडेड है, ये उसके ऊपर एडिशनल कुछ दिन ऐड हो जाएंगे अगर आप ये प्लान्स चूज करते हैं। एज पर मी आई विल वेट एंड वॉच, आई विल नॉट, अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मुझे मैं ये प्लान लूंगी तो मेरे लिए शायद ये प्लान नहीं है, मुझे नहीं जरूरत इसकी, जो बेनिफिट्स ये दे रहे हैं आई एक्चुअली डोंट रिक्वायर इट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जरूरत हो, ये बेनिफिट्स की जरूरत हो, जैसे 90% डिस्काउंट है, दैट्स अ ग्रेट डिस्काउंट, बट उसके साथ कम्स द रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो कि इनके पैनल के डॉक्टर पे ही जाना, आप अपने, हो सकता है आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ या अपने रेगुलर डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हो, बट यहाँ पे आपको इनके डॉक्टर लिस्ट पे ही जाना पड़ेगा, गेट द अमाउंट रीइंबर्स्ड, और हॉस्पिटल नेटवर्क भी इन्हीं के नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। सो ओवर एंड अबव अगर आप ट्राई लेना चाहें, इसको करना चाहें, देख सकते हैं अगर आपके लिए जरूरी है, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, प्लीज अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी कर ले। ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए मैंने डिकोड करा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, डीएम भी किया था कि इनको हेल्थ प्लान्स के बारे में बताएं। सो आई थॉट कि एक बार आपको मैं रिसर्च करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिएगा, कंपनी के बारे में पढ़िएगा, इनसे बात कीजिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, यूजफुल लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, यहां तक लेके आने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट इसी तरह की सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। की कैपिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी जो लास्ट पॉइंट में, सो ये पॉलिसी लेने के लिए, सो आपको 15 डेज का पॉलिसी नहीं प्लान, और